नमस्ते साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज एक बहुत ही जरूरी विषय आप लोगों को बताने के लिए लिया है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोका कोला, फेंटा, मिरिंडा, थम्स अप, स्प्राइट, इन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते जानते हैं तो काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इसको ना पिया हो। और जब हम लोग पीते हैं तो ज़्यादातर बार हमें पता नहीं रहता कि इसके अंदर है क्या। अगर एक बार हमें पता चल जाए तो शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो पिएगा। हालांकि अब ज़्यादातर लोग जानने लगे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन जैसे रोनाल्डो वगैरह है, या इंडिया में भी है दूसरे क्रिकेट के भी प्लेयर हैं जो अब इस जो ड्रिंक्स है उसको हटा देते हैं अपने सामने से, या कुछ उनके भी कमेंट्स आ जाते हैं कि बेकार है, नहीं पीना है। बहरहाल चलिए इनके अंदर क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो इसमें चार चीज़ें मेनली होती हैं। सबसे जो पहली चीज़ है शक्कर, शुगर, जिसके बारे में शायद हम लोगों को कभी ध्यान भी नहीं जाता। ये जो शुगर है, शक्कर है, ये सिंपल शुगर होती है, या तो ग्लूकोज होगी या फ्रक्टोज, लिखा नहीं रहता कि कौन सी है, पर ये सिंपल शुगर है और अच्छी क्वांटिटी में होती है। आप लेवल चेक करेंगे 100 ml में या जितने की बॉटल है, मोस्टली 100 ml में डिक्लेयर किया रहता है, तो उसमें देखेंगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है। मतलब कई चम्मच उसमें चीनी डली रहती है जो काफ़ी कैलोरी हो जाती है। इसके अलावा वाटर होता है कार्बोनेटेड, मतलब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जिससे वो झाग निकलता है। तीसरी चीज़ होती है कैफीन, कैफीन वही जो कॉफ़ी और चाय के अंदर होती है, तो कैफीन भी एक बेकार चीज़ है। स्टिमुलेंट जैसा काम करती है, बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, नींद नहीं आने देती, तो कैफीन भी लेना वो भी एक बेकार चीज़ है। जो चौथी चीज़ है उसमें एसिडिटी रेगुलेटर लिखा रहता है। बेसिकली एसिडिटी रेगुलेटर का मतलब है कि वो जो पूरा ड्रिंक है उसकी एसिडिटी को कम कर देना। नाम से ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ होगी एसिडिटी रेगुलेटर, मतलब एसिडिटी को रेगुलेट मेंटेन करती होगी, ऐसा नहीं, उसको कम करती है। मोस्टली एसिडिटी रेगुलेटर को में फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं ज़्यादातर, कुछ में सिट्रिक एसिड और दूसरे भी एसिड हो सकते हैं। एसिडिटी रेगुलेटर के लिए कोई नाम लिखा रहेगा तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बेसिकली जो फास्फोरिक एसिड है एसिडिटी रेगुलेटर, एसिडिटी होने से जो उसमें कोई बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ है वो ना होने पाए। इसके अलावा नेचुरल कलर, जो उसका अलग अलग जो ड्रिंक्स होती है उसका जो कलर है उसको लाने के लिए कुछ डाला जाता है सब्सटेंस। जो काले वाले कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि पेप्सी, कोका कोला और एक थम्सअप, उसका जो कोड है 150D, उसको आप चेक करेंगे तो कैरामेल डला होगा। कैरामेल ये काला कलर देता है। और जो दूसरे होते हैं जैसे कि स्प्राइट, लिम्का या मिरिंडा, फेंटा, माजा, उनमें दूसरे तरह का एडेड फ्लेवर डला रहता है। तो इतनी चीज़ें हैं। तो अब आप इसमें जाने कि जो मैंने चारों चीज़ें बताई हैं वो हमारे शरीर में कोई काम की नहीं है, कोई फायदे की नहीं है, मतलब ये हमारे शरीर में इससे कोई एडवांटेज नहीं होने वाला है। शरीर में शुगर चाहिए, लेकिन जो इसमें सिंपल शुगर डली है वो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। सिंपल शुगर से मोटापा होगा, डायबिटीज होगा, लकवा की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, ये सारी समस्याएं शुगर से होने वाली हैं। और शुगर जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी क्वांटिटी में होता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है सबने पी है, मैंने भी पी है काफ़ी सारी, जब तक मुझे नहीं पता था। ज़्यादातर जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो जब फेवरेट पर्सनालिटीज हैं जैसे फिल्मों के स्टार्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन या दूसरे भी जिनको फॉलो करते हैं, वो लोग जब पीते उनको देखते हैं तो ये भी पीने का मन करता है। पर आपको बता दूं कि ये जो प्रमोट करते हैं, चाहे ये कोई खेल से हो, क्रिकेट से, फुटबॉल से या किसी और खेल से, या जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, यकीन मानो उन्होंने कभी ना पिया होगा। जिस समय उनका एड शूट होता होगा सिर्फ उसी समय पीते होंगे, उसके अलावा वो ना पीते होंगे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर है क्या। इसमें क्या दो ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ही खतरनाक है। एक है कैफीन, कैफीन से भी आदत लगती है, क्योंकि कैफीन थोड़ा सा अलर्टनेस आता है, बीपी थोड़ा सा बढ़ता है, हार्ट रेट आपकी बढ़ेगी, इसके अलावा उसमें नींद चली जाती है, तो एक कैफीन की भी आदत लगती है। और दूसरा जो शक्कर इसमें डली है, शक्कर भी एक तरीके का एडिक्शन कराती है। शक्कर से क्या होता है कि डोपामिन ब्रेन के अंदर निकलता है जो कि नशा करता है, आदत करता है। इसीलिए तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनको बड़ा मजा आता है कि दोनों नशीली चीजें हैं। इसके अलावा और भी बात करें जो कंपोनेंट, जैसे प्रिजर्वेटिव है, ये भी डला रहता है, कुछ में सोडियम बेंजोएट है और कुछ में सल्फर डाइऑक्साइड। अब सोडियम बेंजोएट मतलब सोडियम भी डल गया, तो मतलब जो सबसे खराब चीजें होती है सोडियम
जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और शुगर जो डायबिटीज कराता है, दो जो बड़ी समस्या कराने वाली बीमारी कराने वाली चीजें हैं, ये इसके अंदर डल गई हैं। अब आजकल एक डाइट सोडा करके आता है जिसमें शक्कर नहीं डली रहती है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर शक्कर नहीं डली है, नो शुगर लिखा रहता है, तो उसमें एक स्वीटनर होता है, एस्पर्टेम नाम होता है, एस्पर्टेम ये लगभग 200 गुना ज्यादा ग्लूकोज से मीठा रहता है, लेकिन स्टडीज ये बोलती है कि एस्पर्टेम से भी कुछ समस्याएं होती है, मेमोरी लॉस, माइग्रेन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, मतलब ये कोई बहुत हेल्दी चीज़ एस्पर्टेम भी नहीं है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाने। और ये जो स्प्राइट और लिम्का है जिनका कलर काला नहीं होता, उसमें कैरामल नहीं होगा, और दूसरा कि कैफीन फ्री भी लिखा रहता है, तो कैफीन बस अकेले हटाने से कोई बहुत ही हेल्दी चीज़ नहीं होने वाली है। और ऐसे ही अगर माजा मिरिंडा की बात करें, या एक और कोई आता है जिसके अंदर ये मैंगो पल्प डले होते हैं, मैंगो फ्रूटी, तो उसके अंदर भी कंटेंट देखोगे तो उसमें जो मैंगो का पोर्शन होता है, आम वाला पोर्शन, वो कोई 20% के आसपास ही रहता है, उसमें भी शुगर अच्छी खासी डली रहती है। शुगर, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग सब्सटेंस, ये जो मैंने बताए हैं ये सब इनके अंदर होता है। अब आ जाते हैं कि क्या समस्या होगी, इम्पॉर्टेंट चीज, तो समस्या ये होगी कि ये शुगर होने से कैलोरी बहुत सारी हो जाती है, कैलोरी मतलब आपके खाने में जब कैलोरी होगी, शुगर जाएगी और शरीर क्या करेगा, उस शुगर को अपने अंदर स्टोर करेगा, तो लीवर के अंदर करेगा, तो फैटी लीवर, फैटी लीवर मतलब लीवर के अंदर सूजन हो जाना, अब फैटी लीवर से इन्फ्लेमेशन होता है तो हेपेटाइटिस हो सकता है, आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा, और ये फैट अगर लीवर के बाहर जमा होता है तो वजन का बढ़ जाना, वजन बढ़ने से 100 तरह की समस्याएं हैं, हड्डियां खराब होती हैं, दिमाग काम नहीं करता अच्छे से, थकान लगती है, शुगर ज़्यादा होने से डायबिटीज का खतरा है, शुगर ज़्यादा होने से दांत खराब होता है, दांत के अंदर जो कैविटी का चांस बढ़ता है, इसके अलावा दांत खराब होता है, इसके अंदर जो एसिड होने की वजह से किडनी डैमेज के भी चांस रहते हैं, और ऐसे लोग जिनको किडनी डैमेज है वो डैमेज ज़्यादा तेज़ी से होगा, जो कैफीन होता है उससे ब्लड प्रेशर की समस्या है, नींद का नहीं आना, सोडियम बेंजोएट डला है मतलब उसके अंदर सोडियम है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, किडनी की समस्या है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है, और एसिडिटी। एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसको पीने से पेट सही हो जाता है, हाजमा, ये थोड़ी सी एक अजीब सी बात, उसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होने से हो सकता है उस समय थोड़ा आपको रिलैक्स फील हो, बट ये एक्चुअली में एसिडिटी कराती है, अंदर और एसिड को निकले इसको स्टिमुलेट कराती है, तो जो कैफीन है वो भी एसिड निकालता है, बनाता है, इसके अलावा इसके अंदर और भी जो एसिडिटी रेगुलेटर हैं ये सारे भी यही काम कराते हैं, और फैटी लीवर। कैलोरी की बात करूं तो आप इसको मोटा मोटा आप ये समझें कि एक 100 ml में लगभग ये 50 से 60 कैलोरी होती है, और लगभग कोई आधे लीटर पी जाता है, 400 या 500 ml जो कि नॉर्मली लोग पी जाते हैं, तो कोई 300-350-400 कैलोरी आ जाएगी, और ये बहुत ही बेकार और खतरनाक बात है। तो कभी कभी कोई पी लेता है तो ऐसी भी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि साल भर में 2-4 बार या महीने में 2-4 बार, वो तक तो चलता है, लेकिन रेगुलर इसको आदत में न डालें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा आपने कि इनके अंदर जो कलरिंग सब्सटेंस डले हैं या एसिडिटी रेगुलेटर है और भी प्रिजर्वेटिव जैसे डले हैं, इनमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है। तो सच बताएं तो ये जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट वाला जो चीज़ है इसको प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, जितने तरह के इसमें केमिकल डले हैं वो बहुत तरह के नुकसान कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली कौन सा कैंसर कर देंगे, कितनी डोज में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ऐसे कंट्रोल ट्रायल बेसिकली नहीं किया जा सकता, ना तो कोई करता है कि स्पेशली ये केमिकल से एक्सपोज किया जाए आदमियों को, दो ग्रुप बना के फिर देखा जाए कि कैंसर हुआ कि नहीं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, उनमें कैंसर हो रहा है कि नहीं, तो ये मतलब इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि कोई किसी ने कोल्ड ड्रिंक 5 साल पी लिया है तो उसको कोई कैंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। हाँ, केमिकल किसी भी तरह का हो उससे कैंसर होने का रिस्क रहता है, और शरीर में और भी तमाम तरह की समस्याएं, डायबिटीज से लेके थायराइड से लेके ब्लड प्रेशर से लेके स्ट्रोक का खतरा है, इन्फ्लेमेशन खतरा, ये सब बना ही रहता है, क्योंकि कोई भी इस तरह का जो फ्लेवरिंग सब्सटेंस है, प्रिजर्वेटिव है,
कलरिंग सब्सटेंस है, ये स्टडीज यही बोलती हैं कि ये हेल्थ के लिए हानिकारक है। एग्जैक्ट कौन सा कलरिंग सब्सटेंस या कौन सा प्रिजर्वेटिव क्या करता है एकदम क्वांटिफाई करना मुश्किल है। बहरहाल अब आप समझ गए होंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक या ऐसी को सुगरी ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसको मतलब आप ऐसा समझें कि इतनी हानिकारक है कि ये एल्कोहल के बराबर है, शराब के बराबर है। अब शराब में बस एक एक्स्ट्रा चीज़ ये होती है कि उसमें नशा होता है, तो नशा एक अलग तरह की सामाजिक बुराई है, या नशे में एक्सीडेंट का खतरा है, लड़ाई झगड़े का खतरा है और पैसे ज़्यादा लगते हैं। बाकी जैसा एल्कोहल से एडिक्शन होता है, सेम एडिक्शन इसके अंदर ग्लूकोज और कैफीन से होता है। और जो एल्कोहल शरीर पे नुकसान करती है, वजन बढ़ाना, फैटी लीवर कराना या कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा देना, ये सारी समस्या इस कोल्ड ड्रिंक्स से भी हो सकती है। तो अब उम्मीद ये है कि आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक जब पीने की कोशिश करेंगे तो उसके पहले लेवल में जाके देखेंगे कि कितना उसमें शक्कर डली है, परसेंटेज या ग्राम में डली रहती है, आप समझ जाएंगे। और ना तो खुद पिएंगे ना तो बच्चों को खरीद के देंगे। थैंक यू।